أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فأذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَتَانَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا یہ سورۃ النساء کی آیت 34 اور 35 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلا درس طلاق کے موضوع پر تھا اور اس میں کچھ ایسی بنیادی چیزیں ذکر کر دی گئی تھیں کہ اگر ان کا لحاظ رکھا جائے ان کا خیال رکھا جائے تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی نکاح کے مقاصد کیا ہیں اور نکاح کرنے سے پہلے لڑکی والوں کو لڑکا کیسا دیکھنا چاہیے اور لڑکے والوں کو لڑکی کیسی دیکھنی چاہیے یہ معیار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اگر اس معیار کو لے لیا جائے تو کوئی بات ہی نہیں کہ طلاق کی نوبت آئے لیکن اگر پھر بھی کبھی ایسی نوبت آ جائے تو اس کے لیے بھی قرآن کریم میں سورہ نساء میں سورہ طلاق میں اس موضوع کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں لیکن جب ہمارے مابین اصل نکاح کے مسائل ہی کچھ غلط طریقے سے لیے جاتے ہیں
तो नतीजा ये होता है कि कभी ना कभी बल्कि बकसरत तलाकें वाकई होना शुरू हो जाती हैं। आज के दौर में आप ये महसूस करते होंगे और दीगर ममालिक से कता नज़र ख़ास तौर पर सऊदी अरब में तलाक की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इधर निकाह हुआ इधर तलाक, इधर निकाह हुआ इधर तलाक, इधर निकाह हुआ इधर तलाक, बेशुमार तलाकें, यानी तकरीबन 60% निकाह तलाक के नतीजे में ख़त्म हो रहे। इसकी वजूहात क्या हैं? बुनियादी वजह वही कि निकाह करते वक्त जो मेयार होना चाहिए वो हम नहीं देखते, और कुछ आजकल निकाह अजीबोगरीब किस्म के निकल आए हैं, कुछ अब निकले हैं। बाद निकाह की शक्लों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया था, वो भी अब चल रहे हैं। गज़वा खैबर के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए घरेलू गधे का गोश्त खाना और निकाह मुता, इन दो चीज़ों को हराम करार देता हूँ। पहले निकाह मुता की जायज़ शक्ल या जायज़ पीरियड था, घरेलू गधे का गोश्त जायज़ था। गज़वाए खैबर के मौका पर ख़ास तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सितम ज़रीफ़ी देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए ऐलान करवाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि निकाह मुता आज के बाद क़यामत तक के लिए हराम है, और जो लोग दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर गाते थकते ही नहीं, सबसे ज़्यादा इस गुनाह में वो मुबतला है। अपना पहला इमाम, अपने 12 इमामों में से सबसे पहले दर्जे पर जिसको इमाम मानते हैं उसी की बात नहीं मानते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस बात का ऐलान किया कि आज से लेकर क़यामत तक के लिए निकाह मुता हराम है। और ना निकाह मुता क्या है वो तो आप जानते ही हैं, एक साल के लिए निकाह, एक महीना के लिए निकाह, एक हफ्ता के लिए निकाह, हत्ता के एक दिन के लिए निकाह, और अब तो कुछ बदबख्तों ने एक घंटा के लिए और दो घंटा के लिए निकाह निकाल लिया। गोया के जना की जो बिल्कुल वाज़े शक्ल है उसको निकाह का नाम दे दिया, और एक घंटा के लिए दो घंटा के लिए गोया के किराए पे कोई साइकिल ली है, किराए पे कोई गाड़ी ली है, घंटे दो घंटे के बाद वो वापस कर देंगे और उसका किराया दे देंगे। निकाह ये नहीं है। निकाह के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, निकाह के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मकासद बयान किए हैं, उन मकासद का ख्याल न रखा जाएगा। एक निकाह मुता है वो शिया ने उठाया हुआ है, राफ़िज़ी शिया अपना इमाम पहला मानते हैं, बात अहम तरीन है वो नहीं मानते, और बजाय इसके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़यामत तक के लिए हराम है, आप सुनेंगे कि उनके मुल्ला अपनी किताबों में, उनके मुल्ला अपनी तकरीरों में ये कहते फिरते हैं कि जिसने एक मर्तबा मुता किया उसे इतने इतने हज और इतने इतने उम्रे करने का सवाब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सरासर भुला दिया, बल्कि उसका जानबूझकर उलट किया। ये निकाह उनमें है, और एक निकाह जो तलाक की कसरत का बायस बन रहा है वो हमारे अहले सुन्नत में है, वो है निकाह शिगार। निकाह शिगार जिसे हमारे यहाँ वट्टा सट्टा कहते हैं, वट्टा सट्टा, बेटी तुम ले लो अपनी बेटी मुझे दे दो, बहन तुम ले लो बहन मुझे दे दो, भतीजी तुम ले लो भतीजी मुझे दे दो। एक रिश्तेदार महरम का निकाह उधर करता है, उधर से उसकी महरम ले लेता है, दरमियान में कोई महर नहीं, बल्कि बेटी के बदले में बेटी, बहन के बदले में बहन, भतीजी के बदले में भतीजी, किसी एक को देकर उसी को महर शुमार करके उधर से ले रहा है। और ये आपके लिए है कि हमारे मुल्कों में पाको हिंद में बेशुमार ये निकाह हो रहा है, बेशुमार, और वहाँ इसको कोई बुरा भी नहीं समझा जाता, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को हराम करार दिया है।
मुताहराम किया जा रहा है लेकिन शिया में, सिगार हराम किया जा रहा है सुन्नियों में, और एक निकाह अब निकल आया है जिसको यहाँ अरबों में अमूमन कहा जाता है निकाह उर्फी। उर्फी निकाह क्या है? लड़की और लड़का दोनों राजी हैं, वो कहते हैं काजी का क्या काम है। जैसे कहते हैं मियाँ बीवी राजी, मियाँ बीवी तो ठीक है, अब लड़की लड़का गैर महरम है, जब वो दोनों राजी हैं तो कहते हैं काजी का क्या 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 काम है। लड़की को कहा कि क्या तुम मुझसे निकाह करती हो, ये निकाह होने लगा है। लड़की को कहीं बिठा लिया और कहा कि क्या तुम मुझसे निकाह करने पर राजी हो। लड़की ने कह दिया मैं राजी हूँ, निकाह हो गया। अब यहाँ गवाह हक के मेहर लड़की का वली कोई चीज़ नहीं है, और अगर है तो लड़की और लड़के के मुश्तरका बदमाश किस्म के दोस्त, इस गुनाह में बराबर के शामिल लोग, वो गवाह बने हुए। अब ये निकाह कहाँ, ये बैल कहाँ मंडे छड़ेगी, ये निकाह कहाँ मुकम्मल होगा। आज चुप कर बंद कमरे में बैठकर, जहां दो, एक गलत लड़की एक बद किरदार लड़का, ये बैठकर सर जोड़ रहे हैं, ये निकाह थोड़ा है। इस किस्म के निकाहों में आज निकाह किया कल छोड़ दिया, और ना लड़की वालों को पता ना लड़के वालों को पता। इसी से मिलता जुलता हमारे पाकिस्तान और इंडिया में निकाह कोर्ट मैरिज के नाम से है। एक कोर्ट मैरिज, बाप को पता नहीं, भाई को पता नहीं, चचा को पता नहीं, दादा जानता नहीं, और लड़की ने रास्ते में टांगे वाले से बात की कोचवान से कि चाचा तुम मेरे वली बन जाओ, कोर्ट में गवाही दे दो। और ऐसे चाचे कई फिरते हैं हमारे कोर्ट कचहरियों के चारों तरफ। आपको जिस काम के लिए जिस रेट की गवाही चाहिए वो मिलेगी। पाकिस्तान इंडिया के कोर्ट्स के चारों तरफ, कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट्स की गैलरियों में, सड़कों पर, राहदारियों पर वो लोग चलते फिरते नजर आते हैं जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। उनकी बला से क्या हुआ, कब हुआ, हुआ नहीं हुआ, उनको चार पैसे चाहिए, जो चाहे कहलवा लो, वो साइन करने के लिए तैयार। इस किस्म के गवाह होंगे तो ऐसा निकाह कहां सर चढ़ेगा। गवाह की बुनियादी शर्तें, जिस निकाह में निकाह की बुनियादी शर्तें गायब होंगी, उसका नतीजा तलाक की शक्ल में आसानी से निकल आएगा। टांगे वाला गवाह है, रक्षे वाला गवाह है, कोई ट्रक ड्राइवर गवाह है, माँ बाप को पता नहीं, बहन भाइयों को पता नहीं, लड़की की शादी हो रही, वो लड़का कुछ अरसे के लिए अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन तकमील करता है और लड़की को धक्का मार देता है, तलाक हो गई। ये निकाह ही कहाँ हुआ था कि तलाक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ला निकाह इल्ला बिवली। सही हदीस मौजूद है, जब तक सरपरस्त नहीं होगा तब तक निकाह नहीं होगा। जब निकाह ही नहीं हुआ तो ये तलाक क्या हुई, लेकिन तलाक के नाम से तलाक भी दिए चले जा रहे हैं। निकाह शिगार हो, कोर्ट मैरिज हो, निकाह उर्फी हो या निकाह मुता हो, ये सारे के सारे निकाह इस्लाम की नज़र में बातिल हैं। और जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़की बालिग हो जाए तो वो अपनी मर्जी की मालिक हो जाती, लड़की बालिग हो गई अपनी मर्जी की मालिक हो गई, इस्लाम इसको नहीं मानता। सोनन की हदीस सही सनद से साबित, ला निकाह इल्ला बिवली। लड़की का बाप हो, बाप ना हो, बेटा हो, औरत का बेटा हो, बेटा ना हो, दादा हो, चाचा हो, भाई सगा हो, माँ बाप शरीक भाई हो, बाप शरीक भाई हो, माँ शरीक भाई हो, कोई ना कोई रिश्तेदार होना चाहिए जो लड़की का सरपरस्त बनकर उसका निकाह करवाए। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, टांगे वाला कौन होता है निकाह करवाने वाला, वो तो सिर्फ इसलिए ले लिया कि कोर्ट ने शहादत मांगी, कोर्ट ने कहा कि कोई ना कोई तुम्हारा गार्डियन होना चाहिए, किसी को पकड़ लिया, गार्डियन बना दिया। इस किस्म के निकाहों का नतीजा ये होता है कि ये टूट जाते हैं। अगर निकाह हो जाए, निकाह शरी अहकाम के मुताबिक हो, निकाह में सारी शर्तें पूरी हों,
वली मौजूद हो, हक़ महर तय हो, गवाह मौजूद हो, खुतबा मसनूना पढ़कर बा शरा तरीका से निकाह किया जाए, उसमें शिकाक पैदा ही नहीं होता। लेकिन अगर मियां बीवी में कभी गड़बड़ होने ही लगे, जाहिर है जैसा कि पिछले दर्स में मैंने बात अर्ज़ की थी कि वो भी गंदम का आटा खाने वाली, वो भी गंदम का आटा खाने वाले, गर्म तबीयत दोनों हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका बेहतरीन हल हमें यहाँ बताया है। सूरह निसा आयत 35 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, आयत 34 में, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, अगर तुम्हें किसी औरत के नाफरमान हो जाने का, औरत के हुक्म से निकल जाने का, इताअत से सरताबी करने का खतरा हो, तो तीन स्टेप इस आयत में ही अल्लाह ने बता दिए। पहला काम, फाइजूहुन्ना, उनको वाज करो। औरत अगर नाफरमान होने लगी, सरकश होने लगी, आपके हुक्म से सरताबी करने लगी, फाइजूहुन्ना, उन औरतों को वाज करो। और वाज क्या है? बाल बच्चे हैं तो उन्हें बाल बच्चे दिखाओ कि अगर टेढ़ी तिरछी रहोगी तो माँ बाप के घर में होगी, ये बच्चे ना मेरे पास ना तेरे पास। वाज का अच्छा अंदाज इख्तियार करें कि प्यार से रहेंगे, बच्चों को मिलके पालेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, अल्लाह ने हमें ये दौलत दी है। अच्छे तरीके से वाज करें, औरत को समझाएं कि ये हरकतें छोड़ दो, अगर इन हरकतों को ना छोड़ोगी नतीजा क्या निकलेगा, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम बच्चे ना ले जा सकोगी, छोटे बच्चे तुम ले जाओगी, मैं ना मिल सकूंगा, बड़े मेरे पास होंगे तुम ना मिल सकोगी, क्या होगा, बच्चों की भी तबाही और हमारी भी बर्बादी। बेहतरीन तरीके से अल्लाह ने फरमाया उसको वाज करो, समझाओ। वह जो रूहुन्ना फिल मजाज, अगर ये समझाना बुझाना काम ना आए तो औरतों को उनके बिस्तरों में अलग कर दो। औरत को बीवी नाफरमान होने लगे तो उसका बिस्तर छोड़ दो, उसको बिस्तरों से अलग कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा कि उसे लात मारो और उसके मायके भेज दो, ये नहीं कहा कि उसे कमरा अलग कर दो, सिर्फ इतना कहा कि उस तक उसका बिस्तर अलग कर दो। वह जो रूहुन्ना फिल मजाजे, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनके साथ हम बिस्तरी छोड़ दो। अगर वो थोड़ी बहुत भी अकलमंद औरत है तो वो लौट आएगी, अपनी सरकशी को छोड़ देगी। अगर उसने सरकशी छोड़ दी फाबेहा, और अगर वो फिर भी सरकशी नहीं छोड़ती तो फरमाया वज़रिबूहुन्ना, फिर उसको मारो। अब स्टेप देखें इस्लाम के, आहिस्ता आहिस्ता, पहले वाज़ो नसीहत करो। अगर ये वाज़ो नसीहत उसको काम नहीं दे रही तो उसको नफ्सियाती तरीके से थोड़ा सा अंडर प्रेशर करो, उसको नफ्सियाती अंदाज से समझाओ, उसके साथ सोना बैठना छोड़ दो। और अगर वो फिर भी नहीं समझती तो फिर उसको मारो। कुरान ने मुतलक फरमाया मारो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनको मारो ज़र्ब गैर मुबर्रा। ऐसा ना हो कि औरत जख्मी हो जाए, ऐसा ना हो कि उसकी हड्डी नंगी हो जाए, और साथ ही स्पेशली फरमाया कि औरत को उसके चेहरे पर न मारो। चेहरे पर अपने बच्चे को, बेटी को लोग मारते हुए डरते हैं कि कहीं कोई गुस्से में ही सही, चेहरे पे नहीं मारेंगे, सर पे मारा, पीछे मारा, कमर पे मारा, कंधे पे मारा, कि कहीं चेहरे पे कोई नुकसान ना आ जाए, कोई निशान ना आ जाए, जख्म ना बन जाए। अब अपने बच्चे के लिए इतनी एहतियात करते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवी के लिए भी एहतियात करो कि चेहरे पर ना मारो, और इतना जोर से ना मारो कि वो जख्मी हो जाए। थोड़ा सा समझाने के लिए, ये मारना इसको कहते हैं जरब तादीब, ना के जरब तादीब, अजाब देने के लिए नहीं है, सिर्फ अदब सिखाने के लिए। थोड़ा सा जैसे बच्चे को झिड़का जाता है, इस अंदाज से थोड़ा सा औरत को झिड़को, थोड़ा सा उसको मारो, अगर वो समझ जाए फ़ैन अता न कुम फला तब तगू अलैहिन्ना सबीला, अगर वो समझ जाए तो अब कोई नया रास्ता तलाश न करो, मामला रफा दफा हो गया, बात ख़त्म हो गई। इन अल्लाह काना आलियन कबीरा, बेशक अल्लाह बहुत ही बुलंद बाला और बहुत ही सबसे बड़ा।
अब ये तीन स्टेप आपने इख्तियार किए, तीनों में नाकामी हो गई, कोई भी कामयाब नहीं हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाहमाया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा, अगर अभी तक भी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अब इख्तिलाफ बढ़ गया, शिकाक आ गया, तुम्हारे अलहदा हो जाने का वक्त करीब आने को नज़र आ रहा हो, फब आसू हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, अब ऐसा करो कि अपने ख़ानदान का एक फ़र्द ले लो और अपने ससुराल का एक फ़र्द ले लो, बीवी के घर वालों से एक और शौहर के घर वालों से एक, ये दो आदमी सर जोड़ कर बैठ जाएं और ये तय करें, मियाँ बीवी को साथ बिठाएं, खुद साथ बैठ जाएं, उसकी मुश्किलात सुने, उसके मसाइल सुने, और जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है वो सही कहें, और एक दूसरे की गलती निकालें। अगर ये कोशिश कामयाब हो जाए तो फाबे, अब देखें ये चौथी स्टेप, चौथा मरहला, दोनों तरफ से एक एक आदमी को लाए और ये मीटिंग चार आदमियों में हो, मियां बीवी एक उधर से और एक उधर से, चार लोग बैठें, अगर चार लोग मिलकर कोई हल निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा हो गया, अगर अब भी हल नहीं निकलता तो फिर ये है कि ये किन शर्तों पर इकट्ठे रह सकते हैं, अगर कोई कंडीशंस रखते हैं तो रख लें, और अगर ये अलग होना चाहते हैं तो कौन सी शर्तों पे अलग होंगे, ताकि बात गोलियां चलाने, बंदूकें और पिस्टल उठाने की ना हो, बल्कि सुलह सफाई से मामला सिमट जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में एक स्टेप और बताया है, और वो है इलाक, बीवी में या बीवियों में कोई ऐसी बात देखें कि जो आप नहीं चाहते हो, शरअन मना है या शरअन मना ना सही, आपको पसंद नहीं और दुनियादारी तौर पर भी आप नहीं चाहते कि वो हो, और शरीयत उसकी तायद नहीं करती बल्कि आपकी तायद करती, तो आप ऐसी बात मनवाने के लिए अपनी बीवी के साथ ईला कर सकते हैं। ईला, मैं तुमसे चार महीने के लिए नहीं बोलूंगा, ये है ईला। मैं तुमसे तीन महीने के लिए, दो महीने के लिए, एक महीना के लिए कसम खा लें कि मैं तेरे साथ बोलचाल नहीं रखूंगा। और ये ईला करना ना सिर्फ कुरान करीम में हुक्म बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा साबित है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से ईला किया था। अब ज़ाहरा के ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो बीवी नाउज़ बिल्ला किसी बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला थी, कोई बात थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को रंज पहुंचा और ईला किया और कहा कि मैं तुमसे एक महीना के लिए नहीं मिलूंगा, एक महीना के लिए आप नान व नफका अखराजात ज़रूरियात पूरी करेंगे लेकिन जो बीवी के हकूक़ हैं वो पूरे नहीं करेंगे, जो हकूक ज़ौजैन में बिलखसूस बयात रात रहना मियाँ बीवी का आपस में मिलना वो नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी एक के साथ ईला किया और कहा कि हम तुमसे एक महीना के लिए नहीं मिलेंगे। 29 तारीख हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में दाखिल होने लगे, किसी दूसरी बीवी ने कहा या रसूलल्लाह अभी तो 29 तारीख है, यानी अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ क्योंकि महीना तो 30 दिन का होता है, तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमारा महीना कभी 29 का भी होता है, अरबी महीना होता है या नहीं 29 का, फरमाया हमारा महीना कभी 29 का होता है कभी 30 का होता है, हमारा ये महीना 29 तारीख का है। गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस बीवी के साथ रुजू कर लिया। चार महीने से ज़्यादा इला करना जायज़ नहीं है, चार महीने के बाद या उसे तलाक दे दें या कसम का कफारा अदा करें और बीवी के साथ रुजू कर लें, या फिर कभी ऐसा है कि चार महीने की नियत की थी या महीने की नियत की थी कि मैं महीना भर नहीं बोलूँगा और अगर दरमियान में कभी किसी भी वजह से मियाँ बीवी में हमबिस्तरी की नौबत आ गई, बोलचाल हो गई, तो कसम का कफारा देना होगा और इला ख़त्म हो गया। चार महीने के लिए किया था, 15-20 दिन के बाद कहीं मिल बैठे, इला ख़त्म,
और शौहर के लिए ज़रूरी है कि वो कसम का कफारा दे, एक ग़ुलाम आज़ाद करे या एक ग़ुलाम आज़ाद करे या छः मस्किनों को खाना खिलाए या फिर वो एक तीन रोज़े रखे, 10 मस्किनों को खाना खिलाए या 3 रोज़े रखे, कसम का कफारा अदा कर दे, इला ख़त्म हो गया। अगर इस समझाने से भी औरत ना समझे, कितने स्टेप आ गए हैं बारी बारी, वाज करो, वाज करने से नहीं समझती बिस्तर अलग कर दो, बिस्तर अलग करने से नहीं समझती थोड़ा सा मारो, मारने से नहीं समझती इला कर लो, इला करने से नहीं समझती दोनों घरों का एक एक आदमी मंगवा के चारों बैठकर सुलह करने की कोशिश करो। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी इलाज जो हमारे यहाँ यकदम हो जाता, हमारे यहाँ हांडी में मिर्ची ज़्यादा आ गई तो आखिरी इलाज कि जाओ तुम्हें तलाक है, तुम्हें तो खाना पकाना नहीं आता। देखिए कितने स्टेप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमें बताए हैं कि ये करो ये करो ये करो, तलाक की नौबत ना आए। लेकिन अगर इस आखिरी इलाज को इस्तेमाल भी करना पड़े तो फिर तलाक सुन्नी दें, बिदई ना हो। ये मसला ख़ास तौर पर ज़हन में रखें कि तलाक सुन्नी हो, सुन्नत तरीक़ा से हो, और सुन्नत तरीक़ा में कुरान करीम ने एक बताया अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक रजई जिस तलाक के बाद रजू करना जायज़ है वो दो मरतबा है। अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ें दो नहीं, तलाक दो मरतबा है। एक मरतबा तलाक दें और कब दें? सुन्नत तलाक ये है कि आप औरत को उस वक्त तलाक दें जब वो पाक साफ हो, हैज के अय्याम में ना हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि पाक साफ है, हैज के अय्याम में नहीं है, लेकिन ये तोहर भी वो है जिस तोहर में आपने उससे जमा नहीं किया। पाक है लेकिन जिस दिन वो हैज के गुसल करके पाक हुई उसके बाद आपने जमा नहीं किया, अब उसको तलाक दें। आप अंदाज़ा करें आदमी गुस्से में आके आग बबोला हो गया, जट कहा तलाक है, उसके नहीं मालूम वो हैज में है, उसे नहीं मालूम कि वो तोहर में है, उस तोहर में है जिसमें जमा कर चुका हूँ या किसी आम तोहर में है। ये सोचने तक, यहाँ पहुँचने तक वैसे ही गुस्सा काफूर होने की तवक्को है, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, वो मिर्ची जो ज़्यादा आ गई थी सालन में वो ऑटोमेटिक मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर इस बात को तलाश करेंगे कि सुन्नत क्या है, बीवी हैज में नहीं है, बीवी उस तोहर में नहीं है जिस तोहर में मैंने जमा किया है, इतना सोचने तक बात रफा दफा हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत का फ़ायदा ही ये हुआ। और अगर तोहर भी ऐसा है जिसमें जमा नहीं किया गया, हैज भी नहीं है, तलाक भी देनी है, तो फरमाया एक तलाक, सिर्फ एक तलाक दो। ये ना कहो कि यकदम तुम्हें जाओ तीनों तलाकें हैं, और हमारे कई लोग तो कहते तुम्हें 300 तलाक, 300 तलाक। अब ये इतनी तलाकें कहाँ से ला रहा है? कुल तो 3 बनती हैं जिनमें 2 रजई जिनके बाद रजू जायज़ है और एक आखिरी फायर जिसके बाद रजू नहीं है। तो कहा जाता है कुरान करीम ने मर्रतान कहा, 2 मर्तबा बारी बारी एक तलाक दो, 3 महीने तक बीवी घर में रहे, 3 महीने तक बीवी घर में रहे और बन सवर कर रहे ताकि इसका दिल दोबारा वापस लौटने को चाहे और लौट आए। ये नहीं कर सकते कि तलाक दी और बीवी को घर से चला दिया। नान नफका रिहाइश वाजिब है, लाजमी देनी है। 3 महीने के अंदर रजू के चांसेस बहुत सारे होंगे, घर के अंदर होगी, नहाई धोई बनी संवरी, और उनके लिए जो कि बीवी है रजू कर लें तो हलाल है। किसी निकाह की 3 महीने के दौरान या 3 हैज पीरियड के दौरान ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मसनून अंदाज है, और अगर इस अंदाज को हम इख्तियार न करें जो कुरान ने बताया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो नुकसान ही होगा।
अभी हकीम हजरात बैठे हैं, बीमार का इलाज करते हैं, कहते हैं भाई ये तीन पुड़ियाँ हैं या तीन टेबलेट हैं, गोलियां हैं। हकीम पुड़ियाँ देते हैं, एलोपैथी वाले गोलियां देते हैं, तीन पुड़ियाँ हैं, आपने ये तीन दिन में एक एक करके खानी है। क्या ख्याल है, कभी किसी ने ऐसा किया है कि तीनों एक मरतबा फांक ले? अगर किसी दवा की पोटेंसी ज़्यादा हो जाए तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होने का ख़तरा है और मौत भी वाक़ हो सकती है। ये जो तीन तलाकें इकट्ठी देने वाले हैं, ये वही हैं कि जिनको अगर ख्वाब और एक गोली देनी थी, तकलीफ़ इतनी है कि ख्वाब और गोली एक दे दें और कहा कि ये खा लोगे तो ख्वाब नींद आ जाएगी, इन्होंने कहा कि थोड़ी सी नींद आती है, निकाली शीशी और फांक लिया काफ़ी सारा। क्या नतीजा होगा? ये उठ ही नहीं पाएगा। जो सुन्नत रसूल को तर्क करके, कुरान करीम के अहकाम को तर्क करके इकट्ठी थोक तलाके देता है, वो इस मरने वाले की तरह है जो इकट्ठी दुआ फांक लेता है। इस्लाम ने दिया था तीन स्टेप का मौका कि एक कर लो, सोच लो, लौट आओ, दूसरा कर लो, सोच लो, लौट आओ। तीन तलाकें देना बिदत हैं और तीन तलाकें देने से तीनों वाक़े ही नहीं होती, एक वाक़े हो जाएगी, दो बातल हो जाएंगी। लेकिन तुमने तो अपना काम कर लिया, जाओ तुम्हें तीन तलाक, तुम्हें तीस तलाक, बल्कि 300 तलाक। एक वाक़े हो गई, अब दूसरी वाक़े ही नहीं होंगी, वो बातिल हो जाएंगी। अलबत्ता हमारे यहाँ पाक हिंद में कहा गया कि नहीं, तीन कहेगा तो तीनों हो गई, और तीन कहेगा तीनों हो गई तो साथ ही ये भी कहा कि अब तुम्हारे लिए ये वो हो गया जो कुरान ने कहा था पहले, अत्तलाक मरतान, दो तलाकें दो, रुजू करने का हक है, तीन महीने के अंदर रुजू कर लो, अगर तीसरी दे दोगे तो फिर ये रुजू का मामला ख़त्म हो गया। अब कब तक ये वापस रुजू नहीं कर सकती? हत्ता तन के हा जौजन गैरा, जब तक कि ये किसी दूसरे शोहर से निकाह ना करे, वो इसको छोड़ ना दे अपनी मर्जी से, प्री प्लान ये निकाह ना हो जो हमारे यहाँ होता है। वो शोहर मर जाए, बेवा हो गई, इद्दत के दिन 4 महीने 10 दिन पूरे करे, पहले शोहर के पास आ सकती है। वो शोहर किसी वजह से नाराज हो गया, जैसे ये नाराज हुआ था, वो भी नाराज हो गया, उसने तलाक दे दी, 3 महीने या 3 हैज फिर निकाल कर इद्दत पूरी करके इसके पास वापस आ सकती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पाको हिंद में निकाह है तहलील, निकाह की कुछ किस्में पहले आपने सुननी ना, निकाह शिगार, निकाह उर्फी, निकाह मुता, और ये चौथी है निकाह है तहलील। बीवी को अपने लिए हलाल करने के लिए किसी के साथ उसका हराम करवाना, हलाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की लानत है उस आदमी पर जो किसी का हलाला करे या जो किसी से हलाला करवाए। जो साबका शौहर है वो भी मलऊन, और जो नया चंद दिन के लिए बना है वो भी मलऊन। ये मुता नहीं है। हम शिया को इल्ज़ाम देते हैं कि 3 दिन का 3 महीने का 3 हफ्ते का 3 घंटे का, ये तो हमारे सुन्नी भी कर रहे हैं। हमारे सुन्नी ने इसको हलाले का नाम दे दिया, उसका नाम मुता है। मुता का माना फ़ायदा उठाना, सुन्नत से खारिज है, वो भी हराम है, गुनाह है, और ये हलाला हराम है। हलाला करने करवाने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, ये भी बदकारी है, ये भी गुनाह है। लेकिन हमारे पाको हिंद में मौलवियों ने अड्डे खोले हुए हैं, शरीयत के साए में, शरीयत की छतरी के नीचे हराम कारी के बकायदा अड्डे चल रहे हैं, मदारस में हलाला करने के लिए ये सिलसिला आम खुला हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मौलवियों को हिदायत फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स पर लानत करें, मौलवी पता नहीं किस शौक में आकर वो लानत कबूल कर रहा, अपने शगिर्द का निकाह कर दिया, अपना कर लिया, क्या ये लोग ये हदीस रसूल नहीं पढ़ते? जिस हदीस में दोनों पर लानत की गई, साबका शौहर पर, मौजूदा पर, और ये निकाह करने वाला भी लानती होगा या नहीं? जिसे मालूम है
कि ये 3 दिन के लिए निकाह हो रहा है, और फिर निकाह करने के साथ ही जो मिन्नतें कर रहे होते हैं पहले शौहर, वो भी तो आपने सुना होगा, जिसके साथ निकाह कर रहे हैं उसको कहते हैं कि भाई देखना ये तुम्हारी बावी है, 3 दिन के बाद तलाक दे देना और कुछ कहना नहीं। तुम उसको निकाह में दे रहे हो, उसकी माँ तो उसके घर में नहीं भेज रहे ना, उसकी बीवी, अगर उसका निकाह सही है तो वो भाभी क्यों कहेगा। और अगर तुमने ये चक्करबाजी की है तो चीटिंग अल्लाह के साथ, किसके साथ चीटिंग कर रहे हो, किसको ये धोखा दे रहे हो कि भाभी बना के रखना, बल्कि ये कहा करें कि बहन बना के रखना, ताकि और भी ये निकाह जरा महफूज रहे। इस किस्म का निकाह पहले शौहर के लिए उस औरत को हलाल करता ही नहीं, वो हराम रहेगी जब तक उसका सही निकाह ना हो और बेवा होकर वापस ना आए, या वो मुतल्लका सही होकर वापस ना आए। निकाह तहलील बातिल है, निकाह तहलील होता ही नहीं। और ये हलाले की छुरी लेकर जो हमारे लोग बैठे हुए हैं और औरतों को नाउज बिल्ला खराब कर रहे हैं, इनको अल्लाह से डरना चाहिए। ये हलाला ना 3 तलाकें इकट्ठी वाके होती हैं, और अगर किसी मसलक के तहत वाके हो जाए तो ये निकाह हलाला जिसको कहा जा रहा है, ये निकाह नहीं है, ये बातल है, ये हराम है, और ऐसा करने वाले हराम कारियों के अड्डे चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। और निकाह की एक किस्म और भी है, और तलाकों का जरिया वो भी बन रही है, इत्तेफाक से उसके बारे में 1-2 सवाल भी आ गए हैं। किसी ने लिखा है कि निकाह मिसयार क्या है, अभी अभी शायद आपने ये पढ़ी है, ये आजकल सऊदी अरब में निकाह मिसयार बहुत हो रहा है, इसको अल्लामा इब्ने बाज ने हलाल करार दिया है। ऐसे ही ना थोपते जा करें दूसरों पर फतवे, अभी तक सऊदी दारुल इफ्ता की तरफ से भी इसके बारे में फतवा नहीं है और ना ही अल्लामा इब्ने बाज की तरफ से है। ये अभी तक उलमा में चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं जायज़, कुछ कह रहे हैं नाजायज़। लेकिन निकाह मिसयार क्या है पहले ये समझे, निकाह मिसयार में बहुत सारी निकाह की शक्लें मौजूद हैं, शर्तें मौजूद हैं, वली होता है, लड़की का बाप शामिल होता है, 2 निकाह 2 गवाह 2 होते हैं, 3 मियाँ बीवी के अपने घर वालों में से चंद मखसूस लोगों को मालूम होता है, लेकिन ये निकाह आम नहीं होता। इस बिना पर चूंकि ये आम नहीं होता, इस पे कोई वलीमा वगैरह नहीं किया जाता, और लड़की को उसके माँ बाप के घर में छोड़ा जाता है या कहीं अलग रखा जाता है तो अपने घर वालों से छुपा कर रखा जाता है, दोनों तरफ रिश्तेदारों को इत्तला नहीं दी जाती, और औरत अपने कुछ हकूक से तनाजल करती है। ये नहीं कि तुम्हारी पहले बीवी है, 1 दिन उस तरफ और 1 दिन इस तरफ, ये शर्त औरत नहीं रख सकती। औरत कहती है कि मुझे मंजूर है गर्मियों की छुट्टियां 3 महीने मेरे पास रख, मुझे मंजूर है कि वीकेंड जुमेरात जुमा 2 दिन हैं जिनकी 2 छुट्टियां हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले, 2 दिन मेरे पास रहें, और तुम्हारी 1 दिन छुट्टी है जुमा की, वो मेरे पास रहो, बाकी 6 दिन अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ रहो। औरत अपने हकूक खुद छोड़ती है। इन शक्लों की बिना पर कुछ उलमा ने कहा है कि ये निकाह जायज़ है, और इसमें भी अभी तक बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये निकाह ठीक नहीं है, क्योंकि जो असल शरायत हैं पूरी की पूरी, या निकाह की जो अगराज हैं पूरी, वो इसमें मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होती। लिहाजा ये कहना कि शेख इब्ने बाज ने इसके बारे में फतवा दिया है, मेरी नज़र से अभी उनका कोई फतवा और दारुल इफ्ता का फतवा नहीं गुजरा, अभी उलमा की बात चल रही है। बहरहाल अगर ये निकाह भी कोई करता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी अंडरग्राउंड किया, कोई इतना ऐलान नहीं, किसी को पता नहीं, जब तक रखा रखा, जब चाहे छोड़ दिया, तलाक का जरिया तो ये भी बनेगा। और निकाह आम या शरी निकाह और गैर शरी निकाह में एक फ़र्क ये भी है, अल फर्क बैन निकाह व सिफाह, यानी जना और निकाह में फ़र्क ये है कि निकाह सरे आम किया जाता है, ऐलान किया जाता है,
बाकायदा निकाह पर दफ बजाना जायज। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम से कम एक बकरी ही ज़िबा कर दो, औलम वलो बेशाह, चाहे एक ही बकरी क्यों ना हो ज़िबा करो, दोस्तों को अहबाब को खिलाओ, लोगों को पता चले कि तुम्हारी शादी हुई। और अगर अंदर ही अंदर बैठकर खुद ही पकाएं, खुद ही खाएं, ना तीसरे को कानो कान पता चले, तो वो निकाह भी क्या होगा। गर्ज ये कि मुख्तलिफ निकाह खुद ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि तलाक हो जाए, लेकिन तलाक हो तो वो मसनून तरीका से हो, तीन तलाकें इकट्ठी ना हो। और अगर कहीं सही तौर पर तलाक भी वाक़े हो जाए तो वापसी के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तरीका बताया है वो है हलाला शरईया कुरानिया, कि औरत का दूसरा शौहर मर जाए या वो उसको सही तौर पर तलाक दे दे अपनी मर्जी से, तो फिर वो औरत पहले शौहर से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक निकाह हुआ, वो तो ज़माना ऐसा नहीं था कि ये गेमें, ये खेले जो हमारे मौलवियों ने अब बनाई हैं, वो तो मुकद्दस दौर था। एक औरत को तलाक हुई, उसने किसी दूसरे के साथ निकाह किया, दूसरा आदमी इस लायक नहीं था कि वो बीवी से हम बिस्तरी कर सके। औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाज़ पोजीशन बयान फरमा दी। आपने फरमाया तुम उस वक़्त तक पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो जब तक तुम्हारा शौहर कोई ऐसा ना हो जो जमा करने की ताकत रखता हो, जमा करे। साफ फरमाया यहाँ तक के जमा के नतीजा में तुम और वो दोनों जो जमा का मज़ा है वो ले लो। हत्ता तजूकी औसैलता हूँ व यजूक औसैला तक, वो तुमसे मज़ा ले, तुम उससे मज़ा लो, तब तलाक हो, तब जाके वो निकाह होगा। और उसमें तीन दिन की शर्त हो तो वो मुता हो गया, वो भी निकाह। मेरा ख्याल है मौजू वाज़े हो गया या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें सही तरीक़ा से अपनी बीवियों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को ऐसा मौका आ जाए तो सुन्नत के मुताबिक औरत को अच्छे तरीके से रखो या अच्छे तरीके से छोड़ दो, छोड़ो भी तो नाजायज़ तरीक़ा से और रखो भी तो नाजायज़ तरीक़ा से, इस्लाम दोनों की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। एक तो अभी आपको एक पेपर ये मिलेगा जिसमें कुरान करीम की जितनी भी आयात मुतालका इस काम के हैं कि तावीज़ गंडों और जिन्नात और जादू, जो आजकल बड़ा एक बर्निंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, उनके लिए कुरान करीम के 21 मकामात की कुरानी आयात का ये एक चार्ट बनाया है हमने। हमारी किताब में ये मौजूद है जिन्नात और जादू का इलाज में, लेकिन चूंकि वो किताब तो सारी ऐसे हर किसी को नहीं पहुंच पाती, ये हैं तकरीबन 100 कापी के करीब होगी, खान साहब के पास है, ये सारे एक एक कापी लेते जाएं। दूसरी बात ये कि अभी दो किताबें ये छप के आई हैं बेंगलोर से, मर्दो जन की नमाज में फ़र्क, जैसा कि ये किताब आप टाइटल देख रहे हैं, और दूसरी है सिमा व कवाली और गाना व मौसीकी। ये जो हमारे कुछ लोग कवालियाँ सुनने के और कवाली टाइप आजकल नाते भी निकल आई हैं उसके साथ पूरा वो आराम से बैठ के बात सुने, ये मिल जाएगी सबको, निकलते हुए बाहर दे देना सब। तो ये दोनों किताबें जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं छपी, यहाँ बाहर नहीं हैं लेकिन छप गई हैं। अगर आप में से कोई साहब इस किताब को तकसीम करना चाहे तो ये बड़े सस्ते नरखों पर आपके लिए हैं। नमाज में फ़र्क ये 40 पेज हैं, 100 किताबों की कीमत 78 रियाल, 50 की 39 और 25 की 20 रियाल। अगर कोई हिस्सा डालना चाहे, इनको तौहीद पब्लिकेशन वालों को देना चाहे बांटने के लिए यहाँ इंडिया में, तो ये आपकी तरफ से बांट देंगे। और ये गाना मौसीकी वाली किताब जो है ये 80 पेज है और एक 96 सफ़े, और 100 कापी की कीमत 80 रियाल, 50 की 40 रियाल और 25 की 20 रियाल है। अगर सदका जारिया के तौर पर अपनी तरफ से अपने किसी बुज़ुर्ग फौतशुदा की तरफ से तकसीम करवाना चाहें तब भी खान साहब शाह सत्तार वगैरह से राबता कर लें। अब ये कुछ सवालात हैं जिनमें से
एक तो किसी ने आज़ाद कश्मीर से लिखा है, इस्तदा की है इरफान कंवल, इरफान कुआं खोदते हुए गैस की वजह से कोमा में चले गए, कोई कुआं निकाल रहे थे तो नीचे ज़मीन में गैस होती है, उसका कुछ ज़्यादा उनको असर हो गया, कोमा में चले गए हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। आमीन। ये लिखा है, क्या एक्स्ट्रा स्टोर से कंप्यूटर किस्तों पर लेना जायज़ है, जैसा कि वो कहते हैं कि ये शरई है और उनके पास इसका फतवा मौजूद है। किस्तों पर कंप्यूटर लेना एक्स्ट्रा वालों का एक ऐलान कुछ अर्सा मैंने भी सुना था, उन्होंने लिखा था कि असल कीमत पर किस्तों में ख़रीदिए, यानी कंप्यूटर है 1000 रियाल का, कैश भी आपको 1000 रियाल का मिल रहा है बाहर से, हमसे कैश 1000 का ले लें, लेकिन हमें 5 महीनों में 10 महीनों में किस्तों में ले लें। अगर ये शक्ल है तो इसमें कोई ममानत वाली बात नहीं, ले सकते हैं, ये तो तावन है। एक शक्ल किस्तों की और भी है कि अगर दारुल इफ्ता के फतवा के मुताबिक किस्तें तय हो जाएं, किस्तों की कीमत तय हो जाए, किस्त मिस होने पर कीमत में इजाफा ना हो और ये लेना देना किसी ऐसे इदारे से ना हो जिसको बैंक रिलेटेड कर दिया गया हो कि किस्तें बैंक में जमा कराओ, ऐसी शक्ल में वो फिर सूद का हिस्सा शामिल हो जाएगा। डायरेक्ट एक्स्ट्रा वाले देते हैं, अपनी तरफ से देते हैं, उन्हें ही पैसे देने हैं तो फिर आप उनसे भी ले सकते हैं, या किसी भी इदारे से, कारें हैं, ये है वो है, तो ये चीज़ें ली जा सकती हैं। शर्त ये है कि उसमें सूदी इदारा ना हो या सूदी इदारे से ताल्लुक़ ना हो, और वो शर्तें जो मैंने जिक्र की हैं वो मौजूद हों। औरत किन वजूहात की बिना पर खुला का मुतालबा कर सकती है, मौजू से मुतालका बहुत अच्छा सवाल है। मौजू का एक पहलू ये भी है कि कभी शौहर ने तलाक दी और कभी ऐसा हुआ कि औरत को शौहर पसंद नहीं, और शौहर पसंद नहीं क्यों, मुख्तलिफ शक्लें हैं, वो नानो नफका नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो मेडिकली अनफिट है, औरत के हकूक़ अदा नहीं कर सकता। औरत को इजाज़त है कि महकमा में केस कर दे, कोर्ट में काजी के पास पहुंच जाए और अपना मुतालबा खुला का कर दे, उस औरत को हक हासिल है। लेकिन अगर बिला वजह ऐसे किसी मामूली नचाकी की बिना पे आके औरत तलाक तलब करती है, खुला तलब करती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर लानत फरमाई है कि जो औरत बिला वजह ही औरत से अपने शौहर से तलाक तलब कर ले। ये निकाह मिसयार के बारे में ही दूसरा सवाल है, जिसमें औरत की ख्वाहिश पर ही मर्द उसके घर जाएगा, यानी अपना वो हकूक़ जो है वो उनसे विदड्रा कर लेगी कि ठीक है 8 दिन में 1, 15 दिन में 1, महीना में 1 या 6 महीने में 1 मरतबा आ जाओ। नमाज वितर में हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है, नमाज वितर में हाथ उठाकर दुआ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन दुआए कनूत नाजला जो साल के मुख्तलिफ मौक़ों पर कभी कभी किसी ख़ास वजह से दुआ मांगी जाती है, जैसे पिछले दिनों अमेरिका के ख़िलाफ़ इसराइल के ख़िलाफ़ मांगी गई, उसमें हाथ उठाए जाते हैं, उसी पर क्यास करते हुए वितरों में उठाए जाते हैं। असलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस की रोशनी में हाथ बांध कर ही वितर की दुआ करना। दुआ के पहले मौजू पर ही मुझे एक बात याद आई है, पिछली मरतबा दुआ के सिलसिला में ही मैंने कुछ अर्ज़ किया था कि कुछ लोग ये दुआ मांग रहे होते हैं, यानी हाथ सर से भी ऊपर हैं और बड़े एक ख़ास अंदाज़ इख्तियार किया, या तो ये तब मांगते हैं जब कैमरा सामने आया हुआ हो, हज वगैरह के मौका पर पता चले कि कैमरा अब मेरी तरफ है तो हाथ ये उठा लिए या ऐसे कर लिया। अजीबन ये सर से ऊपर हाथ ले जाना दुआए इस्तस्का में भी साबित नहीं है। दुआए इस्तस्का में आम हालत की निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ इतने उठाए हैं कि आपकी बगलें खुल गई, लेकिन सुनन अबू दाऊद और सही इब्ने हिब्बान में हदीस मौजूद है कि सर से हाथ आप ऊपर उठाना किसी मौका पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित नहीं है, एक चीज़। दूसरा ये कि कुछ लोगों को देखा गया कि वो दुआ मांगने के लिए सजदा में पड़े होते हैं और सजदा इस तरह किए हुए होते हैं, यानी हाथों को ज़मीन पे ऐसे रखा हुआ है और सजदा में पड़े हुए हैं, क्या सजदा में ऐसे हाथ रखना जायज़ है, और सिर्फ दुआ करने के लिए अकेला एक सजदा भी साबित नहीं है, दो रखते पड़े, 4 सजदे करें
चारों सजदे सुन्नत के मुताबिक हाथ रखे, दुआ करें, बहुत अच्छी बात है, एक ही सजदा और हाथ भी उल्टे। ये हाथ अंदाज का आम दुआ में साबित नहीं है, लेकिन सही मुस्लिम में सिर्फ एक मौका ऐसा, आम हालत में चाहे कि मैं ऐसे मांगू नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल इस्तस्का की जो दुआ मांगी, बारिश के लिए दो रखते पड़ी दुआ मांगी, उस दुआ में आपने हाथों को इस अंदाज से किया। ये दो नुक्ते जहन में रखें, सिर्फ सलातुल इस्तस्का, सिर्फ बारिश मांगने के लिए नमाज के बाद जो दुआ मांगी गई उसमें हाथों का अंदाज ये था, और वो आपने उम्र भर में कभी भी अपने सर से ऊपर हाथ उठाकर ना ऐसे ना ऐसे दुआ नहीं की, बल्कि आपने अपने सामने हाथों को रखा और इस्तस्का के मौका पे आपने इतना उठा लिया कि आपके सर के ऊपर फिर भी नहीं गए। अबू दाऊद और सही इब्ने हिब्बान में ये बात मौजूद है। पिछली मरतबा किसी साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई थी, लिहाजा इस पे कुछ कहना ज़रूरी था। आम हालत में, आम दुआ में अगर हाथ हद से ऊँचा ले जाए तो ये दुआ में ज़्यादती है। और पानी में, वज़ू में ज़्यादती मैंने जिक्र किया था, पानी बहाए चले जाए वो भी मना है। नमाज का सही तरीका जो सुन्नत के मुताबिक हो, अल्लाह अकबर से लेकर सलाम फेरने तक अमली नमूना के लिए ऐसी कोई ऐसी कोई सीटी या कोई ऐसी किताब हो तो अर्ज़ करें। अर्ज़ ये है कि नमाज मसनून मुकम्मल और बातस्वीर मुहंदिस फसीहुद्दीन साहब ने तैयार कर ली है, यानी बन के आ गई है खफजी से। और इतफाक़ से एक हमारा प्रोग्राम इसी मौजू पर हुआ है, उसमें नमाज का मुकम्मल तरीका कोशिश की है कि उसमें अक्सर बातें आ जाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि नमाज के मसाइल तो बड़ी मोटी मोटी किताबें उस पर मौजूद हैं, सारा नहीं आया लेकिन नमाज के अक्सर मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आ गए हैं। वो सीडी तैयार हो जाएगी, पता नहीं कब हो जाएगी, वो इंशाल्लाह जल्द ही आपको मिल जाएगी। यही फसीहुद्दीन साहब के पास से मिलेगी, खान साहब वगैरह के पास मिलेगी, यहाँ इंशाल्लाह तकसीम करवा दी जाएगी। और किताबों के सिलसिला में किताबें भी बहुत हैं, और एक सीडी पहले शेख मुनज्जद की अरबी ज़बान में थी, दारुल हिजरा जो मक्का रोड पर है उन्होंने वो अरबी में बनाई थी, उसका अरबी आवाज़ निकाल कर उसकी जगह पे उर्दू की आवाज़ मेरी मौजूद है, वो भी वहाँ दारुल हिजरा से भी मिल रही है, यहाँ से भी मिल सकती है, हमारे सीडीज़ के सेट के अंदर भी वो मौजूद है, वो पहले है। और एक ये आवाज़ और ये सारी कंप्लीट ही फसीहुद्दीन साहब ने बनाई है, ये इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और किताबों में चूँकि बकसरत किताबें हैं, नमाज नबवी के नाम की एक किताब दारुसलाम ने छापी है डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब की, जो कि डॉक्टर तालिबुर रहमान साहब के भाई हैं और सैयद तौसीफुर रहमान साहब के भाई हैं, और उन्हीं के भाई सैयद तैयबुर रहमान इस्लामाबाद में हैं। माशाल्लाह चार भाई, चारों मौलवी और चारों बड़े बड़े मौलवी, आलम लिखने वाले, आलम बोलने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों को, हमारे भाइयों को भी इस तरह का आलम बनाए। तो उनकी किताब है नमाज नबवी, यहाँ दारुसलाम से मिलती है, शायद 5-7 रियाल की या 10 रियाल की है, 8 रियाल की हैं, और बेहतरीन मुख्तसर मुकम्मल मुदल्लल अहादीस के हवाले वगैरह सब मौजूद हैं। मुक्तदी को इमाम के दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के अल्फाज ख़त्म होने के बाद सलाम फेरना सुन्नत है, या एक तरफ सलाम फेर लें दूसरी, बेहतर यह है कि इमाम जब दूसरी तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे तो आप दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम, इमाम के पीछे पीछे रहें, इमाम के साथ साथ भी ना रहें। पिछली मरतबा मुझे किसी ने बताया कि तुम बहुत लेट कर देते हो, होटलों में खाना नहीं मिलता, मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। अब ये पर्चियाँ आपकी हैं, इनको वो सवाल बता दे ज़बानी, या पर्चियाँ तलाश कर। अगर पहली तलाक दी जाए, चल रही है, इन्हीं दिनों में, इद्दत के दिनों में दूसरी तलाक दी जाए, अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक ही तलाक शुमार होगी, इद्दत तक एक ही तलाक शुमार होगी। तल्लिक़ुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, ये जो अंदाज़ है ना कि दिए चले जाए, एक इद्दत पूरी हो जाए और रुजू नहीं हुआ, नहीं रखना चाहते, बात ख़त्म हो गई, एक तलाक उस औरत के लिए 3 महीने या 3 पीरियड गुजरने के बाद दूसरी जगह निकाह करने के लिए काफ़ी है। और शौहर को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना कि 3 पूरी करता रहे,
इसको कौन सा कोई पहली तीन जमा करने के बाद दूसरा निकाह करना है, ये तो एक बीवी के होते हुए दूसरा तीसरा चौथा निकाह कर सकता है। लिहाजा ये अपना निशाब पूरा करने के चक्कर में कोई ना रहे कि मैं पहले तीन दे लूँ तो फिर कोई और काम होगा, एक दे भी छोड़ दें, शायद ज़िंदगी में कभी वापसी का मौका मिल जाए तो निकाह जदीद कर लेंगे। तीन दे देंगे तो फिर निकाह जदीद का खाता ख़त्म हो गया, वो कहीं और करे और जो सूरत हाल बनेगी। लिहाजा ये अंदाज़ जो है तीन तलाक़ें ज़रूर ही पूरी करनी है, इस अंदाज को छोड़ें, सुन्नत पर रहें, एक तलाक दें, इद्दत पूरी होने दें। दूसरी तलाक जो होती है वो भी तीन बार होनी चाहिए या पहली तलाक के बाद रुजू कर सकते हैं? नहीं, ये भी जो दूसरी तलाक होगी अगर किसी ने रुजू कर लिया है, दूसरी तलाक के बाद फिर से वही तीन महीने का पीरियड या तीन हैज का पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला